अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब कुछ कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं और अगर हम लड़ के और इलेक्शन कमीशन जा के अपना फैसला नहीं करवाते हैं और जो इंसाफ की बुनियाद पर है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया और अल्लाह ताला का शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है, जो इस NA-75 के जो उभर के सामने आए एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, जो वहाँ की कैंडिडेट थी, मेरा ख्याल है वो अपने शुक्र का इजहार करेंगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। इसी भी की शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने आज इंसाफ के लिए, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे, आज उसका फ़ैसला हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फैसला है जो आने वाले हर इलेक्शन में एक मिसाल और एक एग्ज़ाम्पल सेट करके गया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA-75 की आवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी, आज उनको उनका हक मिला, आइनी और जमहूरी हक, जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है। वो अपना वोट डाले और वो बगैर डरे, बगैर किसी प्रेशर में आए, अपने हक का इस्तेमाल करें। मैं मीडिया की बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन से लेके आज तक एक जो हमारा हक सच की लड़ाई थी उसमें हमारा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडर्स की जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और आज तक मुझे सपोर्ट दी और हिम्मत दी कि मैं इन चोरों का, इन वोट चोरों का मुकाबला डट के कर सकूं, जो मैं आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगी। मैं NA-75 डस्का को बहुत मुबारकबाद देती हूं कि जिन्होंने डंडे खाए, गोलियां सही, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करने के लिए लाइनों में लगे रहे। तो डस्का मुबारकबाद, मुबारकबाद डस्का को। जबरदस्त। मरियम नवाज ने ये कहा था कि उनके पास ये सबूत है कि वजीर आजम इमरान खान के जो मातहत एजेंसियां हैं वो इस अगवा में मुलव्वस थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के, उनके पास सबूत हैं। तो क्या अब आप मुस्लिम लीग नून मसलियत के तहत वो सबूत पी जाएंगे या वो सबूत आप भी मंजरेआम पे लाएंगे? मतीउल्लाह जान साहब, अगर हमने मसलियत करनी होती ना तो हम इस हद तक लेके भी ना आते अपनी जंग को। तो हमें किसी से डर खौफ नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होके इमरान खान का नाम लेते हैं जो कि सिलेक्टेड वजीर आजम है, तो हमें कोई डर खौफ नहीं है। बिल्कुल सबूत देंगे जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी इमरान खान के खिलाफ। अभी हम सबूत हाथ में ले रहा तो नहीं, पहला सबूत तो इलेक्शन कमीशन को हमने दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो सबूत मान लिया, तो हमारी जंग की पहली फतह हमें हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और इसी वजह से हम डिमांड करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि 2018 में किस तरह से हुकूमत को हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, कैसे सिलेक्ट करके बिठाया गया था उन सिलेक्टेड लोगों को। अगर एक हल्का इमरान खान साहब हार जाते तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला होता, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक दिखाना था पूरी कौम को और वो उन्होंने दिखा दिया। पोज कर रहा था, पोज हो गए थे। अल्लामिया चोर साहब बताइए कि आप अभी मुबारकबाद दे रहे हैं चोर हैं, लेकिन 3 मार्च के इंतखाबात में तो आपका एक वोट तो कम हो चुका, एक वोट कम हो गया। और ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने इसका इशारा दिया था कि एक तो ये 3 मार्च की तैयारी का सिलसिला है कि जी एक वोट जो इन्होंने देना था, एक वोट का फर्क नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सो हमें इतना अफसोस शायद नहीं होगा जब शाम को 3 मार्च के रिजल्ट आएंगे और हफीज शेख साहब का और PTI का जनाजा निकलेगा, तो उस अगर हमें एक वोट भी याद आएगा।